प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेस्ट इंडिया एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रही हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हरियाणा के अंदर इलेक्शन बहुत ही नज़दीक हैं और ये अक्टूबर के अंदर होने हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नवंबर के अंदर होंगे, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होंगे। अब इसकी बात की जाए तो पिछले 6 महीनों की हरियाणा के अंदर बेशुमार वैकेंसीज आई हैं और उनमें ज़्यादातर ऐसी वैकेंसी आई हैं कि वो सी कैटेगरी की हैं या फिर डी कैटेगरी की हैं। कुछ हमारे दोस्त ये भी कहेंगे कि इलेक्शन यदि इतने नज़दीक हैं, अभी अगस्त चल रहा है और बीच में सिर्फ सितंबर बचता है, 1 महीने पहले आचार संहिता भी लग जाती है, तो ये वैकेंसीज पूरी सरकार पर नहीं होंगी। परंतु ज़्यादातर मेरे दोस्त इस बात से सहमत होंगे कि जितने भी सर्वे हैं, जितने लोगों की पसंद है, उसे देख के लगता है कि हरियाणा के अंदर सरकार यही बनने वाली है। और सरकार यदि यही बने की तो सारी की सारी वैकेंसी ये भरी जाएंगी, इनका सबका प्रोसेस पूरा होगा और ये उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है जो बेरोजगार हैं, जो काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। आज हम एक ऐसी वैकेंसी की बात करेंगे जो एडवर्टीज हुई है और जिसकी ऑनलाइन डेट है 14 अगस्त 2019 और लास्ट डेट है 31 अगस्त 2019। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। इसकी अप्रोक्सीमेटली 1000 पोस्ट आई हैं, जिसके अंदर बात की जाए तो क्लर्क की पोस्ट हैं जो 790 हैं, उसके बाद में अकाउंटेंट की पोस्ट हैं, सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट हैं और असिस्टेंट मैनेजर इत्यादि की पोस्ट भी इसके अंदर हैं। और टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो ये लगभग बनती हैं 1000 वैकेंसी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कि इसकी कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट कितनी है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट आई हुई हैं। इसके साथ में बात करेंगे इसकी फ़ीस कितनी है, एज लिमिट क्या है, और बात करेंगे रिटन टेस्ट के बारे में, इसकी फ़ीस के बारे में, और सबसे बड़ी बात करेंगे सैलरी पैकेज के बारे में, क्योंकि सैलरी पैकेज है जो वो काफ़ी बेहतर पैकेज है, जो एज यूजुअल पोस्ट निकलती हैं उनसे बेहतर सैलरी पैकेज है। तो इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है और जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड और ये नीचे इसका एड्रेस है। आज इस पूरे एडवर्टीजमेंट के तहत हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, क्वालिफिकेशन की, फीस की, रिटन टेस्ट की और बहुत इंपॉर्टेंट है सैलरी पैकेज की। यहाँ पर आप देखिए कि एडवर्टीजमेंट नंबर है 8/2019। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेट की, और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी शुरू हो गई है 14/8/2019 यानी आज के दिन, और इसकी लास्ट डेट है 31/8/2019। और फीस की यदि बात करें तो रात के 12 बजे तक आप कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट दे रखी है एग्जामिनेशन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है अक्टूबर 2019 या नवंबर 2019। अब उसमें ये मत पूछना आप कि सर इलेक्शन होंगे यहाँ तो ये कैसे हो जाएगा। देखिए, इलेक्शन यदि अक्टूबर में होंगे तो आपके नवंबर में टेस्ट हो जाएगा, और यदि नवंबर के अंदर इलेक्शन होंगे तो अक्टूबर में आपका टेस्ट होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। अब मेन एग्जामिनेशन के बारे में बात है कि ये लेटर ऑन डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन की बात है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके अंदर दो टेस्ट होने हैं। एक होगा प्राइमरी टेस्ट, इसको प्रीलिमिनरी कहते हैं, दूसरा होगा आपका मेन टेस्ट, यानी दो टेस्ट होंगे। पहला होगा आपका 90 मार्क्स का, दूसरा भी 90 मार्क्स का होगा, परंतु क्वेश्चन यहाँ पर बदल जाएंगे। दूसरे में होंगे आपके 180 क्वेश्चन और पहले में होंगे आपके 90 क्वेश्चन, और 10 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू। ये इसका पूरा शेड्यूल है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे मेंशन कर रखी हैं कि ऑनलाइन सिंगल एग्जामिनेशन फॉर जूनियर अकाउंटेंट एंड सीनियर अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर एंड डेवलपमेंट ऑफिसर। ये बात क्या कर रखी है कि यदि क्लर्क को छोड़ दिया जाए तो बाकी जूनियर अकाउंट की, अकाउंटेंट की, सीनियर अकाउंटेंट की और असिस्टेंट मैनेजर और डेवलपमेंट ऑफिसर का सिर्फ एक ही टेस्ट होगा और वो होगा मेन एग्जामिनेशन के इक्वल, जो आपके 180 क्वेश्चन हैं और 90 मार्क्स का होगा। ये यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अब कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पहले ही हाईलाइट करके रख रखी हैं, वो आपके सामने इस प्रकार हैं कि जैसे ये पोस्ट किसकी हैं, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड चंडीगढ़, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मैं पहला भी बता रहा था।
यहाँ पे यदि आप साइट देखोगे तो ये है harcobank.org.in। उसके बाद में कुछ चीज़ें और हैं कि जैसे क्वालिफिकेशन की यहाँ पे क्या मेंशन कर रखी है, वो है कि क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड अदर डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपकी लास्ट डेट तक डिसाइड होंगे 31/8/2019, क्योंकि बार बार आप क्वेश्चन पूछते हैं ना ये, और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं अपीयर हूँ, क्या मैं जैसे एम ए फाइनल में हूँ, क्या मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप इस बात को समझ लें कि यदि आपकी लास्ट डेट पूरी हो जाती 31/8/2019 तक तो आप पूरी कर आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन किसके द्वारा कंडक्ट होगा यह भी बता रखा है, ये होगा इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के द्वारा। अब उसके बाद में कुछ बातें और कर लेते हैं जैसे वैकेंसीज के बारे में, ये है पूरी डिटेल ऑफ द पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखी है। टोटल जो पोस्ट है आपकी वो है 790 कलर की वैकेंसी, यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, पूरी कैटेगरी दे रखी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको लिंक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और फर्दर इंक्वायरी के लिए आप इसको रख सकते हैं, पूरे तरीके से इसको पढ़ने के लिए भी आप रख सकते हैं। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट दे रखी हैं, आप इनको सही ढंग से देख लेना। जैसे आप अंबाला की देखोगे 44 हैं, लास्ट में यहाँ पे जैसे झज्जर की 26 हैं, और हारको बैंक के ये 74 हैं। टोटल जो वैकेंसी हैं आपकी यहाँ पे 790 हैं। उसके बाद में है कैटेगरी टू, कैटेगरी टू के अंदर है कि 123 वैकेंसीज हैं जूनियर अकाउंटेंट की, और जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखी हैं, यहाँ पे 14 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है, हरको बैंक की हैं 12, और टोटल यहाँ पे वैकेंसी हो जाती है आपकी 123। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे चलते हैं और ये कैटेगरी नंबर 3 दे रखी है, कैटेगरी नंबर 3 के अंदर है आपकी 35 वैकेंसी, और ये सीनियर अकाउंटेंट की हैं, यहाँ भी 14 डिस्ट्रिक्ट्स में दे रखी हैं, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल नहीं है। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे हैं ये हैं 35, और इसके नीचे एक दे रखा है नोट भी, इस नोट को आप ध्यान से पढ़ लेना यदि आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में है कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी नंबर 4 के अंदर है 30 वैकेंसी हैं असिस्टेंट मैनेजर की और डेवलपमेंट ऑफिसर की। यहाँ पे आप देखिए कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अपेक्स बैंक लिमिटेड है, और इसकी टोटल 30 वैकेंसी हैं। ये कैटेगरी वाइज इसको डिफाइन कर रखा है कि जनरल के SC BC वगैरह सब ये डिफाइन यहाँ पे कर रखा, आप इसको ध्यान से देख लें। अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि हमें फॉर्म अप्लाई करना है तो। क्लर्क के लिए आप देखिए कि ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स दे रखे हैं, या फिर आपका कॉमर्स ग्रेजुएट आप होने चाहिए तो आपके 50% मार्क्स भी चल जाएंगे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और पे मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखे हैं कि 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये। मैं इसी की बात कर रहा था कि पे जो स्केल दे रखा है, जो सैलरी पैकेज आपका दे रखा है, वो काफ़ी बेहतर है, 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये है, और बहुत ही अच्छा पैकेज यहाँ पे ये है। दूसरा दे रखा है कि नॉलेज होना चाहिए आपको हिंदी और इंग्लिश का मैट्रिक तक। दूसरी जो पोस्ट है वो है जूनियर अकाउंटेंट की, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर BCom या BA विद इकोनॉमिक्स और मैथ, और BSc मैथ और इसके अंदर 55% मार्क्स यहाँ पे बता रखे हैं, या फिर BTech हो आपके पास 60% मार्क्स के साथ है, हिंदी और संस्कृत जैसे मैट्रिक तक हो, ये यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए ये भी जो पे स्केल है, पे मैट्रिक्स है, वो सेम दे रखा है। अब बात करते हैं सीनियर अकाउंटेंट की, और सीनियर अकाउंटेंट में आपके पास हो यहाँ पे दे रखा है 55% मार्क्स इन कॉमर्स। उसके बाद में है कैटेगरी नंबर 4, और वो है असिस्टेंट मैनेजर और डेवलपमेंट ऑफिसर की, यहाँ पे 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में चाहिए साइंस मैथ और आर्ट इकोनॉमिक्स के साथ में। यहाँ पे जो आपका सैलरी का पैकेज है, वो सैलरी का पैकेज यहाँ पे बदल जाता है, ऊपर तक ये सेम था, यहाँ पे सैलरी का पैकेज हो जाता है आपका लेवल नंबर 7 पे 44,900 से लेके 1,42,400 रुपए। यहाँ भी एक नोट दिखा रखा है, और इस टेस्ट में क्या मेंशन कर रखा है कि आपका एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हार्टरॉन के द्वारा, वो आपका क्वालिफाई जरूर होना चाहिए, परंतु ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, पहले भी इन्होंने डाल रखा था, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे है, शायद इसको बाद में रिमूव किया जाए, तो इस बारे में हो सकता है कि कुछ क्लेरिफिकेशन बाद में आए। अब उसके बाद कुछ एब्रिवेशन दे रखे हैं, यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं कि एज 18 से 42 साल, और वो छूट भी रहेगी जैसे शेड्यूल कास्ट को होती है, शेड्यूल ट्राइब को होती है, या बैकवर्ड क्लास को होती है, वो सारे के सारे छूट यहाँ पे होगी। और उसके बाद में कर लेते हैं फीस की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ फीस।
फीस होगी आपकी 600 रुपये, जैसा मेंशन कर रखा है 600 रुपये जनरल कैटेगरी। हाँ, इस पे याद रखें जीएसटी पर एप्लीकेशन ये प्लस में होगी, यानी जीएसटी एक्स्ट्रा होगा। इसी प्रकार से 300 रुपये होगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो शेड्यूल कास्ट से हैं, बैकवर्ड क्लास से हैं, चाहे वो ए हो या बी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो हरियाणा से हैं, या फिर सभी फीमेल्स जो हरियाणा की हैं उनके लिए 300 रुपये फीस होगी। एक्स सर्विसमैन यदि आप हैं तो उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस यहाँ पे नहीं दे रखी है। उसके बाद में कुछ चीज़ें नीचे हैं और ये सिलेक्शन प्रोसीजर बता रखा है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर को मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूँगा, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको एक अलग वीडियो में डिफाइन कर देंगे, परंतु दो चीज़ें बतानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पे दो एग्जामिनेशन होंगे आपके यदि आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं। पहला एग्जाम होगा आपका 90 मार्क्स का और 90 ही क्वेश्चन होंगे इसके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। दूसरा है उसके बाद में आपका दूसरा टेस्ट होगा जिसको मेन एग्जामिनेशन कहते हैं, इसके आपके 180 क्वेश्चन होंगे और टाइम इसमें 150 मिनट होगा, यानी कि 150 मिनट होगा और एक क्वेश्चन की वैल्यू होगी आधा नंबर, यानी कि 0.5। टोटल आपके मार्क्स यहाँ पे काउंट होंगे 90, यानी कि 90 ऊपर के और 90 नीचे के। अब यहाँ पे सिलेबस वगैरह है उसको जब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो उसमें डिफाइन करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे है कि अब बात ये करते हैं कि उसमें 10 नंबर का एक इंटरव्यू भी डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे इंटरव्यू से पहले एक चीज़ और आप देख लें कि जो 90 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन की बात है, 10 मार्क्स यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए। और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में एक वीडियो भी बना रखी है, यदि आप चाहो तो आई बटन में जाके उसको देख लेना। कंप्लीट इसके बारे में बता रखा है कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल होता है। और 10 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू होगा ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है पेज नंबर 8 पे, और ये मेंशन है कि आपका 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। बाकी में मेंशन नहीं कर रखा कि क्लर्क के अंदर होगा या फिर अकाउंट क्लर्क के लिए होगा, अकाउंटेंट के लिए होगा, इस प्रकार का यहाँ पे मेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो 10 नंबर का जो इंटरव्यू आपका असिस्टेंट मैनेजर और डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए ही बता रखा है। और एग्जामिनेशन आपका CBT होगा। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये डिसीजन हरको बैंक का है, सारे मैटर हरको बैंक ही सुलझा लेगा, इस बारे में ये सारी बातें बता रखी हैं। सेंटर के बारे में जान लें कि एग्जामिनेशन सेंटर आपके कौन से होंगे, और वो यहाँ पे चंडीगढ़, मोहाली होगा, अम्बाला होगा, जींद, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, सोनीपत और गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र होंगे। यानी कि ये सेंटर एग्जामिनेशन के आपके होंगे जो आप टेस्ट देंगे, इसके अलावा सेंटर नहीं बनेंगे, ये बात हमें ध्यान रख लेनी इस समय पे चाहिए। और बाकी तो बस यही है इस एडवर्टीजमेंट के तहत। और इसके अंदर लास्ट में यदि आप चले जाओगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, वो है आपके अनेक्सचर के बारे में, कौन कौन से अनेक्सचर आपने लगाने हैं। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया यदि आप क्लेम करते हैं जैसे A1, इसके बारे में पहले मैं बता भी चुका हूँ, एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में जाके उसको आप देख भी लेना। अनेक्सर A2 है, B1 है, B2 है और D और E, ये अनेक्सर इसके अंदर दे रखे हैं। आप इनको डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करके, इनको भर के क्लेम कर सकते हैं और आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन को पूरा करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, इसके साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।